नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आ चुके हैं और ये है, आप अभी सामने देख पा रहे हो, BYD की E6। अब E6 जो है MPV सेगमेंट में आती है कार, तीन आपको चाबियां देखने के लिए मिलती हैं। अब सामने की बात करें तो भाई ग्रिल की, ओपन ग्रिल की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि इंजन नहीं है, तो हल्का हल्का हीट डिसिपेशन के लिए आपको दिया गया है होल्स वगैरह। और भाई बाकी बात करें तो इधर आपको क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलती है और साइड में एलॉयज जो है आपको 17 इंचेस के दिए गए हैं। प्रोफाइल है 215/55R17 और भाई आप देख लो सिल्वर फिनिश में आते हैं। आगे डिस्क ब्रेक दी गई है काफ़ी भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्क प्लेट इधर दी गई है तो बढ़िया है भाई, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया होने वाली। पीछे भी भाई डिस्क ब्रेक आपको दी जाती है। डिस्क ब्रेक का साइज़ देख लो भाई, 17 इंचेस का अलॉय है तो ये कम से कम 13 इंचेस की तो 12 इंचेस की तो होगी ही। ORVM आपको इधर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड जो है इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं LED स्ट्रिप वाले, और इधर भी आपको ये देखने को मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। पीछे आपको नहीं देखने को मिलता, इधर स्पेस लिखा गया है, वाटर ग्लास दिया गया है, थ्रू आउट द रनिंग ग्लास दिया गया है, पीछे आपको डिफॉगर दिया गया है, वाइपर इधर दिया जाता है, BYD का लोगो ब्लू में दिया जाता है, वैसे इसका लोगो रेड है। और भाई अगर बूट की बात करें तो बूट का सेंसर यहाँ आपको दिया गया है। स्पेस भाई बहुत ही लाजवाब स्पेस आपको मिलती है अंदर देखने में। कैबिन लैंप मिलता है, एक बूट लैंप मिलता है पीछे, और भाई स्पेस तो यार बहुत अच्छी है यहाँ पे। पार्शल ट्रे तो अभी यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ स्पेस जो है आपको देख पा रहे हो भाई, पार्शल ट्रे की इधर स्पेस जो है, पार्शल ट्रे नहीं होगी वो ब्लाइंड जो होता है ना वो होगा यहाँ पे। ऊपर की बात करें तो आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको इधर हेलोजन का सेटअप देखने को मिल रहा है, दोनों आपको हेलोजन में देखने को मिलते हैं, लेकिन लो बीम जो है आपको प्रोजेक्टर सेटअप में देखने को मिल रही है जो कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर देगी। और पीछे टेल लैम्प्स की बात करें तो पीछे तो LED तो लिखा हुआ ही है और बाकी इधर आपको LED की पूरी स्ट्रिप देखने को मिलती है, डिजाइनिंग आपको देखने को मिलती है। इधर आपको चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया जाता है, प्रेस करके आप ओपन कर सकते हो इसको, और यहाँ पे आप देख लो ऐसा कुछ दिया जाता है, दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। तो सिस्टम की अगर भाई फाइनली बात करें, सेटिंग्स की अगर इसकी बात करें तो सेटिंग्स में भाई बहुत फंक्शन देखने को मिलते हैं। पहले मैंने भाई इतने फंक्शन दिखाए थे, आप मेरी BYD Atto 3 की वीडियो देखना, इतने फंक्शन थे भाई उसमें, मैं फंक्शन बता बता के थक गया भाई, फंक्शन ख़त्म नहीं होता। मतलब जो आप सेटिंग चाहो भाई वो आपको देखने को मिल जाती है। पैड की ब्राइटनेस बढ़ाऊँ भाई थोड़ी सी, तो ब्राइटनेस बढ़ा ली है, मज़े आ गए। और हेडलाइट की आप ये देखो, फॉलो मी होम लैम्प का दे रखा है, और स्क्रीन सेवर मोड दे रखा है, और ड्राइव की सेटिंग दे रखी है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, सेफ्टी असिस्टेंस, ऑन रोड असिस्टेंस, वॉइस असिस्टेंस, भाई बहुत सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। व्हीकल सेटिंग में AC सेटिंग्स ये देख लो भाई, क्या क्या है भाई, क्या क्या ही नहीं है, मतलब इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। और लॉक सेटिंग्स भाई ये देख लो यार, बहुत सेटिंग्स है, मतलब मैं तो बता बता के परेशान हो जाऊंगा, इतनी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। पूरा कंट्रोल भाई BYD ने आपको दिया है। वाईफाई सेटिंग्स है, ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। टाइमिंग 24 आवर 12 आवर, भाई मेरे को 12 आवर पसंद है, मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, शोरूम वाले नाराज़ हो जाएंगे। और यूनिट देखो भाई, डिस्टेंस जो है आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ये ऑन ऑफ क्या है ये देखते हैं, अच्छा ये AC का कंट्रोल है पूरा भाई, ओहो हो बहुत सेटिंग है भाई इसके अंदर, बहुत सेटिंग है। AC ऑन ऑफ यहाँ से आप, टोटल टच कंट्रोल इधर दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए ना तो आपको भाई मज़ा बहुत आने वाला है ये चलाने में। सिस्टम पूरा भाई बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और कैमरा एक बार देखते हैं तो कैमरे की भी क्वालिटी अच्छी है भाई काफ़ी, वो थोड़ा आप ये समझना कि लाइट की वजह से फ्लिकर हो रहा है, क्योंकि तो लाइट कई बार मैच नहीं हो पाती ना तो इसलिए फ्लिकर करती हैं कैमरे, सारे ही करते हैं भाई, ये क्या करेगा, सारे ही कैमरे फ्लिकर करते हैं। और ब्लूटूथ म्यूजिक, ब्लूटूथ फ़ोन भाई, मैप्स, गूगल मैप्स दे रखा भाई अंदर, ओहो हो बहुत बढ़िया भाई सिस्टम दे रखा है। और स्लोप भी इधर बताता है भाई कि कितने एंगल पर आपकी गाड़ी खड़ी है, अभी 0 डिग्रीज पे खड़ी है तो यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है। और स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट आपको देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक भी आपको देखने को मिल रहा है यार, बहुत ही लाजवाब, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और इधर देख लो भाई, आपको पूरा कंजम्पशन बता रहा है कि भाई क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो ये जो बटन है ना, ये वाला बटन, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर नीचे यहाँ से आप कर सकते हो। और भाई इधर आपको बिल्ड योर ड्रीम्स लिखा मिल जाएगा,
जो कि इसकी फुल फॉर्म है BYD की। और इधर इंटीरियर की बाकी बात करें तो इधर आपको ब्लैक में थोड़ा ऐसी फिनिश दी जाती है जैसे डार्क वुड हो, और इंटीरियर ओ भाई साहब सॉफ्ट ओपनिंग है भाई इसकी, देखो बहुत कम ब्रांड्स हैं भाई जो ऐसे आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं तो भाई 803 में बहुत टाइम पहले बैठा था, उसका इतना प्रीमियम इंटीरियर है भाई, मैं तो मतलब देख के शॉक हो गया था बिल्कुल कि भाई ऐसे कोई डिफरेंट काम भी कोई कंपनी कर सकती है। यहाँ पे इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, 120 वॉट का 12 वोल्ट पे देखने को मिल जाता है, दो USB पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पेस आपको इधर देखने को मिल ही जाती है, पार्किंग इलेक्ट्रिक ब्रेक आपको देखने को मिल जाती है, इधर आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि मैं अभी चेंज करना प्रेफर नहीं करूँगा, और ये AC का कंट्रोल जो है आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है, सिंपल आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये आपको ब्लिंकर जो है यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ऐसी कुछ साउंड आती है। ठीक है भाई, आपने आई होप सुन लिया हो। बाकी भाई अगर बात करें तो इधर आपको ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसा सिस्टम, ये सारा ORVM आप एडजस्ट कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो, विंडोज़ के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, और इधर आपको ये देखने को मिल रहा है ग्लास वाला, तो भाई कंपनियां यहाँ प्रोवाइड करती हैं, इस कंपनी ने भाई यहाँ प्रोवाइड किया, मतलब यूनिकनेस तो आपको भाई भर भर के मिलेगी। और ORVM का साइज़ भी आप देख लो, बिल्कुल भाई बहुत बड़ा साइज़ देखने को मिलता है, सफिशिएंट साइज़ है, मतलब सफिशिएंट से ज़्यादा ही है भाई। और मैनुअल आपको डे एंड नाइट IRVM देखने को मिलेगा, इधर आपको लाइट्स ओ भाई साहब LED बहुत प्यारी लाइट देखने को मिलती है, डोर मोड अभी ऑन हो रखा है, आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। शेड्स की बात करें तो ऐसे कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं, मिरर आपको इधर देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी भाई इतनी बहुत सॉलिड क्वालिटी देखने मिलती है, ऐसा लगता है वुड लगा दी हो इधर बिल्कुल। सीट की एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल है इधर, और आगे पीछे करना और सारा मैनुअल कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है। पैसेंजर सीट में भी भाई हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है, पहली गाड़ी भाई मैंने देखी है। तो भाई अभी हम पीछे आ चुके हैं BYD E6 के, और इधर भी आपको LED लाइट देखने को मिलती है, डोर पे है, अभी इसको ऑन कर ऑफ कर देते हैं भाई, ऑन तो थी ही, ऑफ कर देते हैं। अब मैं पीछे बैठा ना जब भाई, मेरा दिमाग जो है बिल्कुल ब्लोन आउट हो गया। अभी आप ये देखो एक बार, इसके दरवाजे की आवाज सुनना, जितनी आई उतनी सुनना भाई, इतने भारी दरवाजे हैं, लिटरली कोई फेक वैक्यूम क्रिएट नहीं किया गया है, कोई कुछ नहीं, इतना मतलब हैवी डोर है। ये देखो भाई थड है भाई, बिल्कुल बहुत हैवी डोर, मर्सिडीज भाई मैं एक बार बैठा था 1 करोड़ की गाड़ी में, उसमें थे भाई इतने हैवी डोर, जो आपको यहाँ पे सिर्फ मात्र 30 लाख रुपए में देखने को मिल रहे हैं, देख लो भाई मतलब कमाल है। और सीटिंग की बात करें तो आपको इधर हेडरेस्ट देखने को मिल रहे हैं सारे, और बेल्ट जो है एडजस्टेबल आपको देखने को मिल रहा है इसका लीवर यहाँ से। और पीछे की अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको AC वेंट देखने को मिल रहा है, नीचे आपको USB पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, USB A बोल लो, B बोल लो, जो भी बोलना चाहो, 3 आपको अपना हेडरेस्ट पीछे देखने को मिल रहे हैं, तो सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इधर लुक्स की बात करें तो इधर आपको वही सेम फिनिश आगे जो डैशबोर्ड पे दी गई है वो दी गई है, और इधर आपको लेदराइट फिनिश दी गई है दरवाज़ों पे, और आगे भी आपको देखने को मिलती है। और पीछे के आगे की बात करें तो कॉमन जो चीज़ें हैं वो ये है और ये है अपना, और ये तो भाई इलेक्ट्रिक विंडोज आपको देखने को मिल ही जाती हैं। और इंटीरियर की बात करें तो लाइट रूफ देखने को मिलती है आइवरी कलर में, और डैशबोर्ड के लुक की बात करें तो डैशबोर्ड आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से देख सकते हो, और भाई अपना ग्लास विंडोज आप देख लो, मतलब क्लोस्ट्रोफोबिक तो फील नहीं होने वाला। स्पेस की बात करें तो भाई इतनी भरपूर स्पेस है यहाँ पे, मेरी हाइट की बात करें तो 5 फीट 5 इंचेस के आसपास है, तो आप आइडिया लगा लो भाई स्पेस की तो कोई कमी नहीं है, आपको स्पेस में बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और सीट की कुशनिंग की बात करें तो मतलब बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कुशनिंग दी गई है आपको, ना ज़्यादा लगेगी ना कम, जितना होना चाहिए उतना है, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए भी अच्छी है, शॉर्ट ट्रिप्स के लिए तो अच्छी है ही, तो आपको वो मज़े ज़रूर से आने वाले हैं, कम्फर्ट का मतलब पूरा। अब मैं पर्सनली बताऊँ तो यार, जिसको बैक की प्रॉब्लम हो ना उसके लिए तो भाई ये सीट कमाल की है, क्योंकि मेरे को इस सीट पर इतना कम्फर्ट मिल रहा है, क्योंकि मेरे को, मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को बैक की प्रॉब्लम है, तो इतना कंफर्ट मिल रहा है भाई इन सीटों में, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बिल्कुल वो है, और लेदराइट दिया गया है तो भाई कंफर्ट बिल्कुल हो ही जाना है। अब फैब्रिक में क्या होता है, फैब्रिक ना थोड़ा वैसा होता है, वो नीचे दबने लगता है, तो ये आपको बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, आपको दबने नहीं देगी, कुछ नहीं होने देगी। और सीट बेल्ट की प्रोवाइड करें तो थ्री पॉइंटर आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है इधर, और
आपको आइसोफिक्स के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। चाइल्ड सीट का जो पॉइंट होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। आप चाइल्ड सीट भी अपने लगा सकते हो यहाँ पे। एक बार फाइनल डैशबोर्ड का लुक ले लो और आज की वीडियो भाई एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो कमेंट में आप लिख सकते हो, और कोई भी मतलब कुछ भी आप कहना चाहते हो कमेंट्स में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को। ठीक है भाई, थैंक यू।